बस हमारे नाज़रीन को बताएं। I do art and I do art and I've done hundred paintings and I also do designing but most of the time I do art. तो आप तालीम कहाँ हासिल कर रहे हैं? Where do you study? I study in Eve Academy, Yemlur. How old are you? I'm 7+ years old. तो आपने मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और ये मेरा एग्जीबिशन है, मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन। तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है वैन गो, मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट है वैन गो। तो उसने मुझे इंस्पायर करा है पेंटिंग करने, आर्ट करने और बड़ा बन के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर बनने का है मुझको। और पेंटिंग मेरी पेंटिंग 101 ओके हैं। अब तीन सोल हो के हैं और तो 101 से 98 बन के हैं मेरे पेंटिंग्स। और मेरा टारगेट अब जब मैं एक पेंटिंग बनाया था मेरा टारगेट था 100, अब मेरा टारगेट है 1000 और फिर 1000 के बाद और ज़्यादा। तो सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या काम करते हैं, दिन भर कैसा रहता है? मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मेरा नहीं मैं 7:30 उठता हूँ और मुँह धोने को, कपड़े चेंज करने को मैं मेरे ऑनलाइन क्लास में जाता हूँ। उसके बाद 4 बजे मेरा क्लास रहता है, मेरा आर्ट क्लास। और जब मैं मेरा पेंटिंग कर लेता हूँ उसके वैसा मैं मेरा पेंटिंग और मेरा स्टडी पे ध्यान रख सकता हूँ। मुझको बहुत खुशी होती है और मैं बहुत प्राउड हूँ मेरे सेल्फ से। और मैं मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली को थैंक करता हूँ मुझे सपोर्ट करके और मुझे कॉन्फिडेंट बना के। एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले मैं आप लोगों को, पूरा मीडिया वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग इधर आए और जो 7 साल का बच्चा जो है मेरा नवासा, इतनी छोटी उम्र में 100 पेंटिंग बनाना ये मामूली चीज़ नहीं है। आज का ज़माना मॉडर्न आर्ट का ज़माना है और जिस वक्त हम लोग छोटे थे उस वक्त सिर्फ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत तवज्जो देती थी, आज वो नहीं है। उसके बावजूद भी ये छोटा बच्चा आज जो किया है ये रिकॉर्ड हुआ है। आप शायद आप लोग देखे होंगे उसका यूनिको वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बच्चे का नाम आया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह कल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस बच्चे को और तरक्की दे और बुलंदियों पर जाए। और ख़ासकर हमारे शफीला साहब इन बच्चे के दादा हैं, नजीब साहब इस बच्चे के दादा हैं, इन लोगों का ताउन भी रहा, इन लोगों के जद्दोजहद थी कि कुछ बस ये बच्चा कुछ ना कुछ करना है। तो माशाल्लाह ये बच्चा ने वो पूरा काम किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी इस बच्चा और आगे बढ़ेगा। ये कहते हैं रहमतुल्लाह बरकात हो। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के काम के लिए आजकल बहुत से मीडिया लोग कोई तवज्जा नहीं देते, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से ऐसे ऐसे न्यूज़ हैं उनको वक्त ही नहीं मिलता। इसमें तुम लोग इतना तुम्हारा वक्त निकाल के इस बच्चे के लिए इतना टाइम दे के आप लोग सब इतनी मदद कर रहे हैं, मैंने बहुत खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तुम लोगों का। और मेरा ग्रैंडसन पहले से भी रात दिन अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी बहुत कुछ इंटरेस्ट से काम कर रहा है और बचपन से ही बोलता है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। शायद इंशाल्लाह अभी इस उम्र में उन्हें 100 पेंटिंग्स कर दिया है, उसका अभी एम है कि 1000 पेंटिंग्स बनाना बोल के। अल्लाह उसको अच्छी ताकत दे, हिम्मत दे और उसके अकल को बढ़ाए और तुम लोगों की सबकी मदद से उन्हें आगे बढ़ के अभी 1000 पेंटिंग्स करके अभी एक ऐसा प्रोग्राम करें लेकर बोलते। मैं उससे सब लोग अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि उन्हें आगे बढ़े। फरहान मोहम्मद, 7-year-old child prodigy,
ventured into, with his natural talent, ventured into impressionism, a branch, a very special branch of painting, generated and nurtured and progressed in French. And masters like Claude Monet. And it's a great way of expressing oneself, and very natural, and it is connected to absolute nature. And at this young age, some of his paintings are very warm, very touching, and then very, very close to nature. And he has started his journey in the lines of those great French painters. And I wish him all the success, and may God bless him with all the best in his career as a great painter. And someday, world will feel proud of him. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Bahut bahut shukriya aap log aaye. To आई थिंक हर एक बच्चे में एक तो कुछ तो टैलेंट रहता है, बस माँ बाप को पहचानने की ज़रूरत है. मेरे तीन बच्चे ही उन लोगों की अलग अलग टैलेंट है. पहला बेटा गरीब बच्चों की मदद करना, उनका प्रोजेक्ट एडुकेट का करना काम, उनका एक एनजीओ के साथ, मतलब उन्हीं का एक एनजीओ है, द नेम इज़ प्रोजेक्ट एडुकेट एंड ही रन्स दैट एनजीओ. ही गेट्स अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम पीपल एंड देन ही गोज़ टू दिस उर्दू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एंड ही टीचेज ओवर देयर. एवरी सैटरडे वो जाके वहाँ पर टीचिंग करते हैं. And he's a very voracious reader and he's very excellent in his studies. तो थोड़ा सा talent हम लोग देखे initially, जैसे you know ये बच्चा अच्छा ऐसा है, उनका दिल बहुत अच्छा है, उनको थोड़ा पढ़ाना पसंद है, तो उनको थोड़ा ऐसे भेजे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, थोड़ा पढ़ाओ बेटे. बच्चों को उतना इंग्लिश नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, तो जाती हैं एवरी सैटरडे जाके इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ा के आती. एंड सेकेंड वन तो ऑलमोस्ट छः महीने के थे यू नो फरहान, जब उनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, तो मदर टॉडलर बोल के एक प्रोग्राम आता है जब हम सब माँ बाप लेके जाते हैं अपने बच्चों को. तो मैं सोची मेरे बेटे को भी लेके जाएंगे, तो तीनों बच्चों के लेके जाती मैं वैसे. तो उनको पेंट्स दिए हम लोग, थोड़ा सा पेंट ब्रश और पेंट्स दिए. जो जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स करने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल स्ट्रोक्स नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है. एंड वेरी, मतलब आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं, मुझे पता है कि क्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है. क्रॉस मोटर स्किल्स में यू कैन होल्ड, यू हैव डेवलप्ड स्किल्स. आई कुड सी दैट द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स. सो वो पेंट ब्रश जैसे पकड़ते थे और जो कलर्स कॉम्बिनेशन में लाते थे, दे वर एक्सेलेंट. तब से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यू नो पेपर्स देंगे. तो उनको भी अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि क्यों आर्टिस्ट बने, बोले तो ही सेज ही फील्स वेरी गुड. जब वो कलर्स देखते हैं तो उनको अंदर से खुशी होती है. तो यू नो आई थिंक हर एक बच्चे को ऐसा होता है. तो आई थिंक वी शुड गिव कलर्स. तो लॉट ऑफ पेरेंट्स यूज़ टू से कि घर गंदा नहीं होता क्या, उसके बाद पाक नहीं करना पड़ता क्या, बट इट्स वर्थ इट. दीजिए आपके बच्चों को कलर्स, लेट देम एक्सप्लोर आर्ट. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. It, you know, it's about expressing themselves. It's important for children to express themselves. In fact, as adults and as kids, we need to express ourselves, and art is one of the beautiful mediums through which we can do that. And yeah, I have a beautiful daughter too. She's a young one. बचपन से भी उनको अगर यू नो हड्डियों से बहुत प्यार था, बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट. उनको मैं क्लिनिक में लेके जाती थी, तो ही यूज़ टू एक्चुअली यू नो लुक एट ऑल द स्केलेटन एंड द बोन्स. सो शी ऑल्सो लव्स प्लेइंग विद द स्केलेटन एंड द बोन्स. तो वी आइडेंटिफाई ईच चाइल्ड्स लाइकिंग एंड वी ट्राई टू पुट द चाइल्ड towards that. And Farhan, alhamdulillah, from the age of 3.5 years, when he started doing beautiful paintings on paper, first canvas di mai unko. Africa gaye the hum log, uske baad wo wapas aane ke baad sunset in Africa banaye, that was his first painting on canvas. And alhamdulillah, tab se leke ab tak we've been having more than 100 paintings, and you all are seeing that. So please follow Farhan on Art and Farhan on YouTube, Instagram and Facebook. अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सब दिखेगा कि उनका आर्ट कैसा है. तो whoever is not here present today, आप ज़रूर देखें ये चैनल्स. बहुत बहुत शुक्रिया जी. हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के टैलेंट को वालिदैन समझेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. समझने के बाद भी अगर कोई समझ भी लें, तो बच्चों के टैलेंट को दबा देने की भी जो है कहीं ना कहीं, और तालीम को ज़्यादा फोकस दें, इस तरह के पेन वगैरह इस तरह चीज़ों में दें ना पड़े. तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने बच्चों को अपने बच्चे रहने दीजिए. डोंट पनिश देम, डोंट पुश देम टू बी समथिंग यू वॉन्ट टू बी. अपनी चाहत बचपन में नहीं हुई, अभी कर लीजिए, बट उनके ऊपर मत डालो. उनको जो करना है करने के लिए छोड़ो. और थोड़ा तो गंदगी करेंगे, थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत पड़नी है हमको, है ना. तो उनको छोड़िए, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट टू डू. और एक बार जब टैलेंट देखेंगे, तो थोड़ा 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 करके आंख रखिए उन पर. मे बी ही इज लाइकिंग इट, मे बी ही इज़ नॉट, मे बी शी इज़ लाइकिंग इट, मे बी ये बच्चे को ये पसंद है. थोड़ा खुला आसमान जैसा फ्री छोड़िए. गिव देम विंग्स एंड लेट देम फ्लाई.